Hello students, welcome back to BBPM online classes. So in our last video, we were reading the chapter The Adventures of Toto. So हमने पढ़ा कि एक छोटा सा small monkey जो है baby monkey, वो grandfather जो है वो एक टोंगा driver से buy करके लाते हैं, खरीद के लाते हैं in a sum of 5 rupees. ठीक है, क्यों लाते हैं? क्योंकि उसकी सिचुएशन को देख के, यानी कि जिस तरीके से उसको टाई करके रखा हुआ था उस टोंगा ड्राइवर ने, उस सिचुएशन को देख के वो सोचते हैं कि शायद ये बेबी मंकी यहाँ पर फिट नहीं होता है, इसलिए वो अपने घर पे ले आते हैं. जब घर पे लाते हैं तो ऑब्वियसली ग्रैंड मदर जो है वो गुस्सा होंगी, इसलिए वो उसको छुपा के रखते हैं. तो राइटर और ग्रैंडफादर जो हैं वो उसको रखते हैं एक क्लोज़ेट में, जो कि जो राइटर है उसके बेडरूम में ओपन होती है. बड़े ही अच्छे से उसको टाई करके वहाँ पर रखा जाता है. बट जब वो थोड़े समय बाद में उसको ओपन करते हैं उस क्लोज़ेट को, तो वो देखते हैं कि जो लिटिल मंकी है उसने जितने भी ऑर्नामेंटल पेपर्स हैं उनको टीयर अप कर रखा है. इवन जो क्लोज़ेट है उसको पूरा उसने तहस नहस कर दिया था, और जो ब्लेज़र था, स्कूल ब्लेज़र राइटर का, उसको भी उसने फाड़ दिया था. बट इस पर भी ग्रैंडफादर गुस्सा नहीं होते हैं और बड़े ही खुश होते हैं कि जो टोटो है, अगर हम आप आर इसको और नहीं संभालते तो शायद यहाँ से बाहर विंडोज़ तो से किसी भी तरीके से यहाँ से निकल जाता. फिर वो जो है ग्रैंड मदर, उसको पता भी नहीं चलता है, इसलिए जब उसको सर्वेंट क्वार्टर में रखते हैं तो वो क्या करता है, वहाँ पर बाकी के जो जानवर हैं उनको सोने नहीं देता. इसलिए ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि जब वो सहारनपुर जाते हैं अपनी पेंशन लेने के लिए, तो वो टोटो को अपने साथ में ही लेके जाएंगे. पूरे रास्ते टोटो को जो है एक बिग ब्लैक कलर की किट में रखा जाता है, जहाँ से उसका निकलना पॉसिबल नहीं है. और वो पूरे रास्ते निकलता भी नहीं है. देहरादून से सहारनपुर पहुंचने पर जब वापसी के टाइम पे टिकट कलेक्टर के पास में ग्रैंडफादर जो हैं वो खड़े हुए रहते हैं, टिकट कलेक्ट करते रहते हैं, उस टाइम पे टोटो जो है वो अपना फेस जो है वो बाहर निकालता है. इससे सरप्राइज होकर जो टिकट कलेक्टर है वो बहुत ही सरप्राइज वे हो जाता है, और उसको एज अ डॉग काउंट करके, हालांकि ग्रैंडफादर उसको टोटो को बाहर निकालते हैं, दैट सी इट इज़ नॉट अ डॉग, इट इज़ अ लिटिल मंकी, बट फिर भी टिकट कलेक्टर जो है वो उनको उसकी टिकट जो है वो कट करता है एनिमल्स वाले जो फंड में, और उससे 3 रुपीज़ उसके ले लिए जाते हैं ग्रैंडफादर से. ग्रैंडफादर वापस आते हैं, और इस बार ग्रैंड मदर जो है वो जब मान जाती है तो उसको डंकी है वहाँ पर उनका फैमिली डंकी नाना, उसके साथ में रखा जाता है. तो पहले ही रात में बेचारा जो डंकी है उसको परेशान कर देता है, जिससे वो कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन पाते. उसके बाद में एक ट्रीट दी जाती है सर विंटर सीज़न में, कि उसको नहाने के लिए, बाथ के लिए, वो भी उसका काफ़ी अजीब सा ही है कि पहले एक हाथ से चेक करेगा, फिर एक पैर डालेगा, फिर दूसरा पैर डालेगा, फिर पूरी बॉडी उसमें जाएगी उसकी नेक तक. तो इस तरीके से उसका बाथ वाला सेशन हमने पढ़ा. फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से एक बार वो केटल से जलते जलते बच गया. एंड आफ्टर दैट वी हैव रेड ऑल्सो कि किस तरीके से घर में अगर कोई भी गेस्ट आता था तो वो उनको परेशान करने में लग जाता था. ठीक है, ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप, ये वाला हो चुका था. आफ्टर दैट देखते हैं कि वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल. एक दिन की बात है, हमें राइटर कह रहा है एट लंच टाइम, लंच टाइम की बात है. अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल. डाइनिंग टेबल जो है उसके एकदम सेंटर में रखी हुई थी पुलाव की बनाई हुई एक डिश, सॉरी राइस की बनाई हुई एक डिश, जो कि जिसको पुलाव नाम दिया गया है. वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस. और जब हम उस रूम के अंदर गए तो हमने देखा कि टोटो जो है वो खुद को राइस जो है उससे स्टफ कर रहा था, यानी टोटो वहाँ पे क्या कर रहा था, वो पुलाव जो है वो खा रहा था. माई ग्रांड मदर स्क्रीम्ड, मेरी ग्रांड मदर जोर से चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर. और उसी टाइम पर डाइनिंग टेबल पर प्लेट रखी हुई थी तो वो उसने दादी माँ की तरफ फेंकी. वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड्स, मेरी जो आंटीज आई हुई थी उनमें से एक जो है वो आगे की तरफ बैठी किधर टोटो की तरफ, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस. और उनको टोटो ने क्या किया, एक
वाला वाटर का ग्लास जो है वो उनके मुंह पर फेंक दिया। When grandfather arrived, और जब grandfather आए, Toto picked up the dish of pulao. Toto जो है उसने वहाँ से यानी कि डाइनिंग टेबल से वो जो जिस डिश में जिस बर्तन में था वो उठाया एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो और विंडो से होते हुए वो बाहर की तरफ यानी घर से बाहर निकल गया। We found him in the branches of the jackfruit tree. और जब हमने उसको ढूंढा तो जो जैकफ्रूट का ट्री था उसकी ब्रांचेस पर यानी शाखाओं पर वो बैठा हुआ था। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स और उसके दोनों हाथों में वो जो डिश थी यानी कि जो पुलाव का जो बर्तन था वो था। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून पूरी दोपहर को वो वहीं पर रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस धीरे धीरे वो राइस जो है वो खा रहा था। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन और उसने शायद वो ये निश्चित कर लिया था कि वो हर एक जो चावल का दाना है वो फिनिश ही करके रहेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 pieces। और जब वो सब फिनिश हो गया तब उसने क्या किया इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर यानी कि ग्रैंड मदर को चिढ़ाने के लिए हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम जो कि उस पर चिल्लाई थी ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री उसने वो जो बर्तन था जिसमें पुलाव जो है वो रखा हुआ था अब वो फिनिश हो चुका था तो उसने पेड़ से ही वो फिर डिश जो है वो नीचे गिरा दी एंड चैटर्ड विद डिलाइट और फिर बहुत ही खुशी में आवाज़ें करने लगा। When it broke into 100 pieces, जब वो जो डिश है वो 100 pieces में टूट गई यानी कि जब आप किसी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो ऑब्वियसली अगर कोई बर्तन होता है शायद ये मिट्टी का बर्तन बना हुआ था तो वो पीसेस में टुकड़े टुकड़े हो गया तो वो बड़े ही खुशी के साथ में वहाँ पर आवाज़ें करने लगा। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग अब हमें ये समझ में आ गया था कि टोटो जो है वो एक ऐसा पालतू जानवर नहीं है जिसको बहुत टाइम तक अपने घर पर रखा जा सके। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट हालांकि ग्रैंडफादर ने भी यही जो है रियलाइजेशन किया यानी उनको भी ये आभास हो गया। वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज क्लोज कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स हम इतने भी ज़्यादा कोई वेल टू डू यानी अमीर नहीं थे एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ फ्रीक्वेंट यानी बार बार होने वाला जो नुकसान है चाहे वो डिशेज़ का हो चाहे वो क्लोज का हो चाहे वो कर्टन्स का हो चाहे वो वॉलपेपर्स का हो। सो ग्रैंडफादर फाउंड द ट्रोगर ड्राइवर इसलिए क्या किया इस सारे लॉस से बचने के लिए ग्रैंडफादर ने फिर से उस टोगा ड्राइवर को ढूंढा एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 rupees और टोटो को जो है वापस उसी टोगा ड्राइवर को बेच दिया इन ओनली 3 rupees यानी कि जब ख़रीदा था तो 5 rupees में ख़रीदा था और आज बेच दिया तो 3 rupees में बेच दिया। अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड ठीक है आप एक बार इसकी रीडिंग लगाइए ज़रूर और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके का सब कैस में जो है वो रस्किन बॉन्ड ने यहाँ पर यूज़ किया है। थैंक यू।